आप आम आदमी पार्टी को रोकना चाह रहे हैं, वो कभी नहीं रुकेगी। ये आंदोलन की ऊर्जा से निकली हुई पार्टी है, इसको आप कभी रोक नहीं सकते। स्कूल भी अच्छे बनवा रखे हैं, पानी बिजली सबकी सुविधा अच्छी करवा रखी है। मैं तो उनको दूंगा बीजेपी को। मैं तो कहूँ माता रानी इसको निकालो बाहर, बस मैं ये कहती हूँ, मेरी दुआ यही है। केजरीवाल के लिए आए, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल? अरे वो बहुत अच्छा आदमी, इन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। आने कोई ऐसा गलत काम ना करो जो पब्लिक को परेशानी हो। केजरीवाल, केजरीवाल। पच्चीस मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है और आज हम मौजूद हैं दिल्ली की साउथ दिल्ली लोकसभा सीट पर, और साउथ दिल्ली लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी का आज रोड शो है। इस रोड शो में सुनीता केजरीवाल भी शामिल होने वाली हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सही राम पहलवान, और उन्हीं के लिए आज वो रोड शो करने वाली हैं, प्रचार करने वाली हैं। तो रोड शो में लोगों से बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर क्यों इस रोड शो का हिस्सा बने हैं, क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर और किसे जिताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप केजरीवाल के लिए क्यों? उसको उनके सारे काम अच्छे हैं, उनको जिताने के लिए वो वापस आ जाए। जेल का जवाब वोट से देंगे हम। क्या ऐसा किया है अरविंद केजरीवाल? स्कूल के लिए किया, पानी के लिए, बिजली के लिए, हर एक चीज के लिए। उन्होंने बस फ्री की, लेडीजों के लिए इतना सुविधा किया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। आप मुख्यमंत्री अभी जेल में है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, क्या आपको लगता है कि गलत किया सही किया जेल? गलत किया, बहुत गलत किया, क्योंकि उन्होंने लेडीज को बस फ्री किया। अब प्लस अब ये लगा लो जो लेडीज मजदूर हैं, अब जिनके पास पैसे नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे। अब कम से कम ये है उन्होंने लेडीज बस फ्री तो की, कम से कम अब रेड बस बहुत सुविधा की। देखिए मैम, हमारे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है इन्होंने। आज उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनकी जगह पर रोड शो करेंगी यहाँ पर, और निश्चित तौर पर हमारी जो दक्षिणी लोकसभा है उनका आना कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरेगा, और हमारी लोकसभा जो दक्षिणी दिल्ली है वो हम विजयी जरूर होंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या किया है कि लोकसभा की सीट इस बार मिलनी चाहिए? पिछली बार तो सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी को हरा दिया था जनता ने। देखिए पिछली बार का कुछ माहौल अलग था, आज अगर हम जीतेंगे, देखिए हमने लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी है, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया है, महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महिला को हम देने वाले हैं, और तीर्थ यात्रा हम लोग फ्री करा रहे हैं, शिक्षा पर हमारा बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं, मोनो अस्पताल हैं, तमाम सैकड़ों पहले हम लोगों तक उन बातों को पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। आज जनता जान चुकी है कि इतना सारा केजरीवाल सरकार कर रही है, आज मोदी की तानाशाही लोगों को समझ आ रही है। ठीक चुनाव से पहले ही केजरीवाल साहब को जेल में क्यों डाला? अभी तक किसी पर कोई केस सिद्ध नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इनकी ईडी तो कह रही है समन आ रहे थे लगातार, आप गए नहीं। देखिए ईडी उनका मकसद ही था उनको अरेस्ट करना। आज संजय सिंह जी जेल में थे, बाहर हैं, और हो सकता है मंगलवार को केजरीवाल साहब भी बाहर होंगे। अच्छा मतलब वोटर्स हो तुम लोग? हाँ जी वोटर्स। वोटर्स हो? हाँ जी। तो मतलब किसको वोट देने वाले हो, क्या लग रहा है? मैं तो उनको दूंगा बीजेपी को। बीजेपी? आप कैसे दोगे? मैं वोटर्स नहीं हूँ। अच्छा पहले बताओ कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का इतना जो बड़ा रोड शो है, तो कोई चेंजेस लगते हैं, कुछ लगता है कि कोई अच्छा काम हो रहा है? यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं केजरीवाल हैं, बहुत कुछ हुए हैं, नाली वाली साफ हुई है, बहुत अच्छा पानी वानी भी। केजरीवाल जेल में है पता होगा जी, उस पर कुछ कहेंगे? हाँ गलत है वैसे तो जेल में, गलत है, वोट बीजेपी को देंगे? हाँ वैसे तो गलत है वैसे तो, मगर मैं तो हमारी फैमिली जितनी भी फैमिली सर बीजेपी की देती है। पूरी फौज लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सुनीता केजरीवाल जी के स्वागत में हम लोग आए हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है, क्यों जनता वोट दे इस बार आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इस बार सीट निकली हुई है दिल्ली से। मोदी जी को जेल का जवाब वोट से देंगे लोग। अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेजा जा सकता है, कैसे देखते हैं आप उन्हें? क्या चुनाव में अगर वो आते हैं इसमें और फर्क पड़ेगा? ये सब आप भी जानते हैं, आप मीडिया से हैं, आपको अच्छे से पता है कि राजनीति किस चीज की है।
एक आदमी को, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल के आप चाह रहे हैं कि उनका प्रचार रुक जाए, आप आम आदमी पार्टी को रोकना चाह रहे हैं, वो कभी नहीं रुकेगी। ये आंदोलन की ऊर्जा से निकली हुई पार्टी है, इसको आप कभी रोक नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूरा समर्थन है और दिल से समर्थन है और वोट भी देंगे हम उसको अभी भी और जनवरी में इलेक्शन होंगे तब भी, और हमारा प्रत्याशी सही राम जी जीते हुए हैं यहाँ से अपनी विधान। क्या क्या ऐसा काम किया आम आदमी पार्टी? काम अच्छा कर रहा है जी, पानी पे सबसे अच्छा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पे तो कई आरोप है। हमारे गांव में जो है स्कूल अच्छे बनवा रखे हैं, ठीक है जी, और पानी पे भी पूरा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पर आरोप है, आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो पर आरोप है? आरोप तो चलते रहते हैं मैम, ये तो अभी कोर्ट से जब होगा तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर प्रूफ हो जाए तो बात दूसरी है, ना हो या तो निकालो जेल से। बेटा किस किस के लिए नारे लगा रहे हो? केजरीवाल के। आप किसके लिए? आम आदमी पार्टी। आप सब केजरीवाल के सपोर्ट में आए हो? क्यों लेके घूम रहे हो? हम केजरीवाल के साथ रहना चाहते हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हो? उन्होंने स्कूल भी अच्छे बनवा रखे हैं, पानी बिजली सबकी सुविधा अच्छी करवा रखी है। किसने बताया आपको ये सब? हमने न्यूज में भी सुना था और ऐसा हो भी रहा है। हमने न्यूज में भी सुना था कि सरकार सबका ख्याल रखती है। यहाँ पर केजरीवाल के लिए आए हैं। उसने क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भाई हमारे लिए उसने बहुत अच्छे काम करे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी हो उसका अच्छा हो और बाहर आना चाहिए। वो जेल में है अभी, तो आपको लगता सही हुआ है गलत हुआ? नहीं, उसका गलत हुआ है जेल में, तो गलत हुआ है उसके साथ, उसे बाहर आना चाहिए। बीजेपी अभी तक दिल्ली की सातों सीट पर हमेशा रही है, उसको वोट देंगे भी नहीं बीजेपी को, बेकार है हमारे लिए वो बिल्कुल। आप क्यों आए हैं? मैं तो इनके लिए ही आई हूँ, झाड़ू वाले के लिए, केजरीवाल के लिए। बहुत अच्छा है, बस का, पानी का, बिजली का, हर चीज की सपोर्ट है, सब चीज की। मैं तो कहूँ माता रानी इसको निकालो बाहर, बस मैं ये कहती हूँ, मेरी दुआ यही है। अरे वो बहुत अच्छा आदमी है, इन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं, आने कोई ऐसा गलत काम ना करो जो पब्लिक को परेशानी हो। अभी तक दिल्ली की सातों सीट पर बीजेपी रही है, क्या इस बार आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा? बिल्कुल खुला, खुलना चाहिए आम आदमी को पार्टी, आम आदमी बिल्कुल है के जाएगा यहाँ से। ये पूरी दिल्ली की ना कहते, अपने एरिया से कहते हैं, बिल्कुल हर हालत में होना है। क्यों अरविंद केजरीवाल ने ऐसे क्या काम किया? केजरीवाल ने कौन से गलत काम करो, पूरे काम सब अच्छे ही करें और अच्छे ही करवा रहे हो पूरी पब्लिक के लिए। हाँ जी, कह गए। देखिए केजरीवाल के बात करें तो आप पहले भी विधानसभा में 67 सीटें केजरीवाल सरकार की आई थी, और अब भी जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है इनको, मिलता नजर आ रहा है कि ऐसे रुझान लग रहे हैं कि जो है दिल्ली के अंदर सातों सीट इनकी आएगी। भाई हमारे लिए केजरीवाल ठीक है जी, हमारे लिए सब कुछ किया, जितने भी किया पब्लिक के लिए, स्कूल बनाई, कितनी स्कूल बनाई, और सड़कों के ऊपर जो ब्रिज नहीं बनाई आर पार जाने के लिए, पहले आदमी इधर जो बस में उतरते थे भाजी इधर मर जाए। अब आदमी ने बहुत पैसा खर्चा करा, केजरीवाल ने जनता के लिए बहुत अच्छा किया हमारे लिए। मेरे को हार्ट की तकलीफ है, मैं बीमार थी, मैं बहुत परेशान थी, मेरा 3 लाख रुपये मांग रहे थे मेरे ऑपरेशन के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा फ्री इलाज कराया, 1 रुपये नहीं लगा, और आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। केजरीवाल ही आने चाहिए, बस वही होना चाहिए केजरीवाल। हमारे केजरीवाल सर हैं, वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे सारे बुजुर्गों के लिए, नालियाँ के लिए, पानी के लिए, और पंजे से पंजे लड़ा के चलते हैं। उनको जैसा देशद्रोही तो है नहीं। हमें तो चाहिए केजरीवाल, और हमें नहीं चाहिए कोई कमल वाले, नहीं चाहिए कोई देश नहीं हमारे लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। अगर हम एक बात से बात करें तो कंधे से कंधे लड़ा के चलते, इनको जैसा नेता कहीं नहीं मिलेगा, चाहे बेशक वो जेल में, हम उनको साथ हैं, उनको पूरी पूरी साथ देंगे। कम से कम 15 बोर्ड है, मैं बोर्ड उन्हीं को दूँ। वो छूटनी चाहिए, अच्छे काम करते, सब पढ़ाई लिखाई स्कूल में सब कुछ सही करते हैं।